Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English dost. So today we are going to start with our third chapter, that is his two stories about flying from our literature reader book. And as a matter of fact, the name of our literature book is First Flight. And the part we are going to cover from this chapter is also his first flight. Similar ye? चलिए तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातों का आपको ध्यान रखना है. जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, पहला कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इफ़ यू आर न्यू टू आर चैनल. सेकंड थिंग इज यू मस्ट सिट देयर विद योर पेन और पेंसिल एंड योर लिटरेचर बुक सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग एवरी मीनिंग क्लियरली. चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक चीज आपको बताती हूं और वो ये है कि सेंट्रल आइडिया क्या है चैप्टर का. सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करते हैं, देन सेंट्रल आइडिया टेल्स अस अबाउट व्हाट इज द स्टोरी टेलिंग अस. हम क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये एक स्टोरी है यंग सीगल की. सो बेसिकली यंग सीगल एक सी साइड रहने वाली बर्ड्स हैं, ठीक है. Who are afraid? तो इसमें who is afraid? और वो बर्ड जो है वो अभी छोटी बच्ची थी, बट हर किसी को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए अपने रेगुलर मीन्स अपना लाइफ कोर्स सीखना पड़ता है. यहाँ पे भी उसके पेरेंट्स उसे उड़ान भरने के लिए बिल्कुल क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट वो नहीं लेता है डर की वजह से कि शायद वो उड़ेगा तो वो सी में चला जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है. Afraid to take his first flight and learn flying. तो इस चीज़ से वो डर रहा है कि ना उड़ना पड़े, कहीं मैं मर गया तो. This chapter teaches us to conquer our fears. Conquer का मतलब क्या होता है बच्चे? Conquer का मतलब है to win over something. ठीक है, जिस चीज़ से हमें डर लगता है, जिस चीज़ से हमें खतरा है, उस चीज़ को अगर हम जीत जाएं, तो वो क्या है? Conquer, right? Boldly to make attempts, fail and then learn. क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है? ट्राई कर. डरना जरूरी नहीं है कि मर गए तो क्या होगा, कोई बात नहीं. एवरी फेलियर टीचेस अस अ न्यू वे टू सक्सीड. सिमिलरली दिस चैप्टर आल्सो टीचेस अस कि हमें डरना नहीं होता है, हमें अटेम्प्ट करके सीखना होता है. तो चलिए पैराग्राफ वाइज हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. सो सबसे पहले हमें जहाँ चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम, वहाँ हमें ये चीज़ पता चलती है कि यंग सीगुल अपनी लाइफ के उस स्टेज पर है जहाँ पर उसे अब उड़ान भरना सीखना होगा, उसे फ्लाई करना सीखना होगा. वो जाता है एक बड़ी सी क्लिफ के पास, उसकी एज तक जाता है और उसके सभी भाई बहन भी साथ में होते हैं. पर फर्स्ट फ्लाइट लेने के अटेम्प्ट में वो सब तो पहली ही अटेम्प्ट में उड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं और फ्लैप भी करते हैं और सक्सीड भी होते हैं. बट यंग सीगुल रह जाता है. क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि मैं शायद गिर जाऊंगा. उसे अपने विंग्स पर, अपनी कंसाइंस पर या अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट ही नहीं था, इसलिए वो डर कर पीछे हट जाता है. सारे भाई बहन उड़ने लग जाते हैं बट वो अकेला रुक जाता है और वापस उसी लेज पर, उसी क्लिफ के एक छोटे से कोने में वहां जाके बैठ जाता है जहां पर वो रोज सोता है. यंग सीगुल के ब्रदर और सिस्टर सब ही उड़ान भरना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके जो दूसरे ब्रदर और सिस्टर्स थे उन सबके विंग्स यंग सीगुल के विंग्स से छोटे थे, फिर भी वो उड़ना सीख गए. बट यंग सीगुल की सिचुएशन ऐसी थी कि उसने इतनी कोशिश की, इतनी ज़्यादा फ्रांटिक कोशिश की, बट फिर भी वो अपने अंदर करेज ही गैदर नहीं कर पाया कि वो उड़ने के लिए उन सब के साथ जा सके, इसलिए डर कर पीछे आ गया. इस चीज़ से उसके मदर और फादर दोनों ही जो पेरेंट्स हैं वो उसे एनकरेज भी करते हैं. सबसे पहले वो उसको एनकरेज करते हैं श्रीनी सीगुल वाली वॉइस में, वो उसको एनकरेज करते हैं बट वो नहीं सुनता. फिर उसको डांटते भी हैं, वो तब भी नहीं सुनता. फिर उसको थ्रेटन भी करते हैं उसके पेरेंट्स कि हम आपको खाना नहीं देंगे अगर आप उड़ना नहीं सीखोगे, बट उसके अंदर फिर भी करेज गैदर नहीं हो सका या उसको अपने विंग्स पर या अपने आप पर इतना भरोसा नहीं था कि वो
उड़ान भरने के लिए तैयार हो सके और वो अल्टीमेटली सबके सब उड़ने लग जाते हैं बट वो अलग जाकर बैठ जाता है। इट्स बीन 24 आवर्स कि किसी भी उसके फैमिली मेंबर ने यंग सीगुल से बात नहीं की, यहां तक कि उसको उसी क्लिफ पर रहने दिया जहां पे वो डर रहा था और छुपकर बैठ जाता था उड़ान ना भरने के डर से, और उसके पेरेंट्स और अदर सिबलिंग्स जो हैं वो सामने वाली अपोजिट क्लिफ पर जाकर रहने लगते हैं। मींस इन लास्ट 24 आवर्स वो वही अपोजिट क्लिफ पर रह रहे हैं। उस मॉर्निंग एक दिन पहले तक, ठीक है, उन 24 आवर्स पीरियड में पेरेंट्स ने मिलकर यंग सीक्वल के सारे जो दूसरे सिबलिंग्स हैं उनको उड़ना सिखाया, डाइव करना सिखाया, स्किमिंग करना सिखाया। स्किमिंग क्या होता है बच्चे, कि ऊपर ऊपर से जब हम किसी फिश को पकड़ते हैं, कभी आपने देखा होगा यू आर पासिंग बाय सम रिवर और सो, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही कोई बर्ड आती है और उस बर्ड को ऊपर से ही कोई सरफेस के पास तैरती हुई फिश दिखती है, इसको फिश कंसीडर करना, ठीक है। तो दूर से ही बर्ड क्या करती है, यहां आती है, अपनी बीक को जरा सा बहुत थोड़ा सा ही पॉइंट के साथ टच करती है और जल्दी से फंसा लेती है किसको, फिश को अपने मुंह में, और फिर उड़ जाती है। तो स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से किसी काम को पूरा करना, ठीक है। हम भी बुक की स्किमिंग करते हैं, बुक की स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन है चैप्टर में उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चन हमें किसी पैराग्राफ के पास लिखवाया हुआ है तो वो पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये बर्ड्स क्या करती हैं, स्किमिंग करना सीखती हैं। पानी के अंदर डाइव करना, यहां तक कि उसके एक भाई ने क्या एक दिन पहले हरिन के फिश का नेम लिया हुआ है, हरिन फिश को उसने लिया, बहुत आनंद के साथ जायके के साथ खाया और जायके के लिए वर्ड दिया गया है डीवर, ठीक है। तो बहुत जायके के साथ खाया बट उसको कुछ नहीं दिया खाने के लिए। अगली मॉर्निंग जब मॉर्निंग होती है, उसी दिन की बात हो रही है, तो यंग सीगुल को उसके पेरेंट्स और उसके सारे सिबलिंग्स दूसरी क्लिप से उसको चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, उसको स्कोल्ड भी करते हैं, टॉन्टिंग भी करते हैं कि तुम उड़ना नहीं सीख रहे, तुम कावर्ड हो, यू आर कावर्ड। समटाइम्स इट इज सेड कि कोई पर्सन को अगर पॉजिटिव मोटिवेशन काम नहीं करता तो उसके लिए नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है, इसीलिए उसके लिए नेगेटिव मोटिवेशन का भी ट्रिक यूज किया गया है कि वो कोई तो एफर्ट्स करे और अपने भाई बहनों के जैसे वो भी अच्छे से उड़ना सीखे, उन्हीं के साथ प्रैक्टिस भी करे। सो इट वॉज द मॉर्निंग टाइम एंड द सन हैज रोज़न टू द फुल, और अब जो हीट थी, रेस से जो आती हुई हीट थी, उस यंग सीगुल को फील होने लगती है, स्ट्रॉन्ग फील होने लगती है। वाई? बिकॉज ही हैड बीन हंग्री फॉर द लास्ट 24 आवर्स। No one in the family gave him food just because he was not trying to fly and make any efforts even. तो वो क्या देखता है, वो pretend करने की कोशिश करता है कि वो सो रहा है, कि शायद उसकी उसको कोई क्या करे, attention दे। अब वो attention seek करने के लिए थोड़ी सी activity करता है अपने family members की, और वो activity ये होती है कि वो ledge के brink पर जाता है, फिर से जिसके ऊपर वो सो रहा होता है तो उसके brink पर जाता है, एक विंग से एक अपनी आधी बॉडी उसने कवर की हुई थी आग बंद करके, और एक पैर उसने अपना बाहर निकाला हुआ था ये दिखाने के लिए, दैट ही इज हाफ डोज्ड, राइट। बट ये सब अटेम्प्ट वो इसलिए कर रहा था कि उसके फैमिली में से कोई उसको नोटिस करे, बट किसी ने भी नहीं किया। उसके जो दूसरे भाई बहन थे वो अपोजिट वाली क्लिफ पर क्या कर रहे थे, सो रहे थे, दे वर टोटली डोज्ड। एंड फादर जो थे, ही वॉज प्रीनिंग हिज फेदर्स, प्रीनिंग हिज फेदर्स मीन्स ही वॉज क्लीनिंग एंड टाइडिंग हिमसेल्फ इन द मॉर्निंग टाइम। बट द मदर वॉज देयर हू नोटिस द चाइल्ड, बिकॉज मदर्स आर द काइंडेस्ट सोल नेक्स्ट टू गॉड, द गॉडली फिगर्स ऑन द अर्थ। तो मदर को पता होता है, हर मदर को पता होता है कि उसका चाइल्ड किस कंडीशन में है, नो मैटर वॉट कंडीशन शी इज इन। तो यहां पर मदर को ये चीज पता चल जाती है कि उसका चाइल्ड भूखा है, और वो नोटिस करने की कोशिश, नोटिस या अटेंशन करने सी करने की कोशिश कर रहा है। तो मदर क्या करती हैं, वो जानबूझकर उसको एनकरेज करने के लिए ट्रिक लगाती हैं।
बट वो उसको ऐसा नहीं दिखाती कि उन्होंने यंग सीबुल को देख लिया है। वो क्या करती है, इंटेंशनली छोटी सी फिश लेती है और उसको अपनी बीक से टियर करने की कोशिश करती है, क्योंकि यूजुअली जो सीबर्ड्स होती हैं उनकी बीक बहुत ज्यादा बच्चे पॉइंटेड होती है, ठीक है, बहुत पॉइंटेड होती है। अगर वो अपनी उनकी बीक माउथ खुलेगा तो वो उस फ्लैश को, एक फिश को बहुत अच्छे से टियर कर पाए, ठीक है। अब मादा जो है टियर करती है किसकी फ्लैश को, फिश को टियर करना शुरू करती है और यहां तक कि उसके हर एक टाइनी पीस को, ठीक है, स्क्रेप करती है। स्क्रेप का मतलब खुरचती है उसे टाइनी 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 बिट्स में, बिल्कुल फ्लैट और चर्न कर देती है, ठीक है। ये साइड देखकर पागल हो जाता है यंग सीगुल, क्यों, क्योंकि एक तो उसको बहुत तेज भूख लगी थी, उसने कुछ नहीं खाया हुआ था एक दिन पहले तक और उसके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं थी। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि उसे जिस तरीके से मदर फिश को टियर कर रही थी, स्क्रेप कर रही थी, उसी तरीके से यंग सीगुल को फिश को स्क्रेप करना बहुत पसंद था और ये चीज मदर को अच्छे से पता थी, इसलिए उसको इनडायरेक्टली वो एनकरेज कर रही थी कि वो कुछ एफर्ट्स करे, ठीक है। तो वो स्क्रेप करती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यंग सीगुल को पसंद है, स्क्रेप कर, ठीक है, स्क्रेप करके वो उसके टाइनी पीसेस कर देती है, बहुत छोटे छोटे श्रेडेड पीसेस कर देती है और इस इंटेंशन से कि शायद अब यंग सीगुल जो है इसके लालच में, ग्रीड में आके कोई ना कोई एफर्ट जरूर करेगा। गा 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 ऐसे वॉइस कर कर यंग सीगुल मदर का अटेंशन सीख करता है और खाना मांगता है। खाना क्या था, वो जो मदर ने अभी क्या किया था, श्रेडिंग की थी फिश की, गो कोल हा। और ऐसे वॉइस कर कर उन्होंने क्या किया, गुस्से में उसको चाइडिंग दिया, मतलब गुस्सा किया उसके ऊपर कि वो आकर उसे खाना नहीं देंगी जब तक वो कोशिश नहीं करेगा उड़ने की। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सैड कर देती है किसको, यंग सीगुल को, कि मदर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो मदर की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ये देखता है तो क्लिफ वन से क्लिफ सेकंड तक जहाँ पे वो है यंग सीगुल, मदर यहाँ से उड़कर अपने मुंह में फिश का पीस लेकर किसकी तरफ जाती है, यंग सीगुल की तरफ। वो बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश कि अपने वो पैर से टैपिंग करना शुरू करता है, मतलब सपोज वो खड़ा हुआ है तो पैरों को ऐसे ऐसे बजाना शुरू कर देता है जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज जॉय। पर मदर क्या करती है अचानक से, क्योंकि मदर्स ही हैं जो बच्चे को राइट वे में ट्रीट कर सकती है और उनको पता होता है कि क्या चीज़ उनके बच्चे को कन्विंस कर सकती है, तो इसीलिए मदर क्या करती है, बिल्कुल उसकी क्लिफ के पास आके उड़ता हुए रुक जाती है। यहाँ पे उसकी मदर आके रुक जाती है, वो हैरान हो जाता है, पर उसको इतनी भूख लगी थी कि वो सीधा क्लिफ से उड़ान भरता है उस फिश को अपनी मम्मी के मुंह से लेने के लिए कि वो छीन ले, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और इसी में वो क्लिफ से उड़कर हवा की तरफ आ जाता है। वैसे तो वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, बट क्योंकि ही वॉज हंगरी एंड द मदर मेड अ क्यूरियस एफर्ट टू मेक हिज चाइल्ड लर्न फ्लाइंग, उन्होंने क्या किया, उसको ग्रीट दिया और वो उड़ता भी है और हवा में आता है। अब हवा में आने के बाद उसकी जो फ्लाइट होती है वो हवा में नहीं होती, क्योंकि उसने पहले तो कभी उड़ना सीखा नहीं, तो वो सबसे पहले थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगता है जिससे वो डर जाता है। अब क्योंकि ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी कि वो एकदम से उड़ जाएगा, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, रुक जाता है 2 मिनट, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को नीचे जाता हुआ देखता है और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एकदम क्या होता है, उसके विंग्स खुल जाते हैं। विंग्स खुल जाने के बाद वो उड़ने की कोशिश करने लगता है एंड ही स्टार्ट्स फ्लैपिंग हिज विंग्स सो दैट ही स्टार्ट्स सोरिंग अपवर्ड, सोरिंग मीन्स ऊपर जाए वो, ठीक है, तो उड़ने लगता है ऊपर की तरफ। शुरुआत पहली बार उड़ान वो भर रहा था, इसीलिए उसको पहली ही उड़ान में बहुत मज़ा आया उसको, वो जो विंड। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप स्कूटी वगैरह पर जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, कार की विंडो से आप बाहर निकले हो तो बहुत प्यारी सी हवा आपको टच, आपके फेस को टच करते हुए जाती है तो वो अच्छा लगता है, बिल्कुल इसी जैसी सेम फीलिंग एक्सपीरियंस कौन कर रहा था, यंग सीगुल, क्योंकि उसकी पहली हवा में उड़ान थी और
उसको वो बहुत जेंटल एयर जो है फील होने लगती है ओवर हिज विंग्स ब्रेस्ट हिज टेल द एवरी फेदर वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट ब्यूटिफुल जॉय ऑफ विंड. तो यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस फील करता है वो क्योंकि अकेला था बट मदर इतने में ज्वाइन करती हैं और इधर सारे भाई बहन और फादर जो हैं आसपास आ जाते हैं उसको एनकरेज करते हैं उसकी विक्ट्री है ये सेलिब्रेट करते हैं उसकी फर्स्ट फ्लाइट को. क्यों? क्योंकि वो अब तक बहुत ज़्यादा डरता था और सबको बहुत खुशी हुई कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया. एवरी वन वॉज सो हैप्पी फॉर ही हैड मेड his first attempt and even in his first attempt he was not afraid but kept on flapping his wings and maintaining his body in the air. Now as he was so happy for making his first flight wo apne aap ko ye mehsoos hi nahi kara pata ki aaj se pehle wo kabhi uda nahi aur उड़ने की तो दूर की बात उसको उड़ने का सोचकर ही बहुत डर लगता था बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा और खुश होता है कि मैं इतने अच्छे से उड़ पा रहा हूँ. पहले ही उड़ान वाले दिन में उसने डाइव करना सीख लिया स्किमिंग करना सीख लिया यहाँ तक कि सी जिस सी से उसे डर लगता था कि मैं उड़ूंगा और इतनी बड़ी सी के अंदर गिर जाऊँगा उस सी का डर भी नहीं रहा बल्कि वो क्या करता है उस सी पर डायरेक्टली स्ट्रेट सी के बहुत क्लोज उड़ने की कोशिश करता है और जितने भी प्लेट्यूज और क्लिफ्स थे उनके बिल्कुल क्लोज आकर उड़ान भरता है फिर सी में जाता है फिर बिल्कुल सी के क्लोज जाता है. तो हर तरीके से उसने उड़ने की उस दिन कोशिश की यहाँ तक कि सिर्फ सीधा सीधा नहीं देख रहा था. हम लोग क्या होते हैं जब नई नई साइकिल वगैरह चलाना सीखते हैं या स्कूटी चलाना सीखते हैं कार चलाना सीखते हैं तो हमारा ध्यान सीधा सामने होता है कि इधर उधर कुछ ना हो. बट जब हम एक बार ही सीख जाते हैं तो हम चलाते चलाते बात भी कर लेते हैं पीछे भी देख लेते हैं साइड भी टर्न हो जाते हैं एकदम सब पता चल जाता है. तो उसी तरीके से आज इसको भी ये चीज़ आ गई थी कि अब वो उड़ान भरते भरते भी साइड फेस कर कर कॉ भी कर सकता था. कॉइंग मीन्स होता है टेकिंग आउट द वॉइस. तो यहाँ पर वो अपनी वॉइस निकाल कर बात भी करने लगता है अपने फैमिली मेम्बर्स से. तो ये चीज़ उसके लिए बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और ये चीज़ उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुका था कि उसे अब अच्छे से उड़ना आ गया है. और बढ़ते हैं हम अपने लास्ट आंसर की तरफ. और इसमें क्या हुआ है कि यंग सीगुल क्योंकि बहुत देर से सी के पास ही फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था स्क्रीमिंग कर करके इतना खुश था स्क्रीमिंग श्रिलिंग और सी के पास जाकर डाइव जितने मूव्स कर्व्स वो ले सकता था वो सब ले रहा था. और यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा क्योंकि उसने एक दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था एंड ही वॉज टोटली मैडनिंग फॉर द फूड बिकॉज ऑफ हंगर बिफोर मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसलिए अब क्या है उसकी बॉडी एग्जॉस्ट होना शुरू करती है और एग्जॉस्ट होने की वजह से क्या होता है वो सी के बहुत पास आ जाता है इतना पास कि उसकी बेली टच कर जाती है ठीक है सी को. और यहाँ पे वो डर जाता है कि शायद वो उसमें ड्राउन हो जाएगा और उड़ नहीं पाएगा. विंग्स को फ्लैप करने वाली एनर्जी उसके अंदर नहीं थी बट जैसे ही वो बेली टच करती है वो क्या देखता है कि उसकी बॉडी फ्लोट कर पा रही है. ही वॉज एबल टू मैनेज एंड कंट्रोल हिज विंग्स इन दिस वे कि उसकी बॉडी क्या थी फ्लोट कर पा रही थी. तो वो इस चीज़ के लिए भी बहुत खुश होता है कि जिस चीज़ से वो डर रहा था उस चीज़ से वो बच गया यहाँ तक कि फ्लोट बहुत अच्छे से कर पा रहा है. ये देख कर उसकी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती है प्रेजेस देती हैं उसे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसकी पहली उड़ान पर यहाँ तक कि वो उसको एफर्ट्स भी करते हैं बिगिनिंग में इस पैराग्राफ के बिगिनिंग में वो उसको एनकरेज भी करती है कि आओ हमारी तरफ क्योंकि फैमिली बैठी होती है क्लिफ के ऊपर अब और वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं सब इकट्ठा होने का. पर यंग सीगुल थोड़ा मज़े ले रहा था कि वो थोड़ा उड़ना सीख जाए पर इसी बीच वो सी के पास जाके टच हो जाता है. बट इस चीज़ में भी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है उसके कि फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है बहुत अच्छे से कर ली है और अब उसका जितना फियर था उड़ने का वो सब ख़त्म हो गया है. यहाँ से अपने आप को रेस्क्यू करके ऊपर ले जाने की तरफ कोशिश करता है और तब उसको रियलाइज़ होता है फाइनली मुझे उड़ना आ गया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. द चैप्टर वॉज ऑल्सो देयर द मीनिंग्स वर ऑल्सो देयर. सो If you liked it, if you understood the video, then please give a like to it. And I personally hope कि आपको सब अच्छे से
जल्दी से समझ में सब कुछ आ गया होगा कि स्टोरी लाइन क्या है हमारी, और अपना कमेंट या कॉम्प्लीमेंट या अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़. वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन सेइंग बाय बाय.